सो गाइस, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि हैकर ने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया था, परंतु उसको ये पता नहीं था कि एडम अभी भी बचा हुआ है और एडम उसी गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था, परंतु हैकर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि एडम इस गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। उसी टाइम पे हैकर जोर जोर से हंसने लगता है और उठते हुए यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाता है, परंतु उसको अभी तक भी पता नहीं था कि एडम इसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। और उसी टाइम पे एडम की भी थोड़ी थोड़ी नींद खुलने लगती है और वो एकदम जाग जाता है। एडम उसी टाइम पे देखता है कि उसकी गाड़ी को एक खतरनाक हैकर ड्राइव कर रहा है। और इससे पहले इंडिया से प्यार करते हो तो लाइक करोगे, पाकिस्तान से प्यार करते हो तो कमेंट करोगे, देखते हैं किससे ज्यादा प्यार करते हो। और गाइस, आप सभी को तो पता ही होगा कि एडम के पास कोई भी हथियार नहीं था, परंतु उसके पास एक ग्रेनेड था जो कि पाइनएप्पल के रूप में। और गाइस, उसी टाइम पे एडम पाइनएप्पल का प्रहार हैकर के मुंह पर कर देता है, जिससे कि उसका यहाँ पे नेट कनेक्शन एरर हो जाता है और उसका सिस्टम फेल्ड हो जाता है। उसी टाइम पे एडम छलांग मारकर कार से बाहर निकल जाता है, परंतु ग्रेनेड कार के अंदर ही रह जाता है, जिससे कि कार बहुत ही जोर से ब्लास्ट होकर यहाँ पे छत पे जा गिरती है और जिससे कि यहाँ पे हैकर की मौत हो जाती है।